दोस्तों आज हम इन्फोसिस और विप्रो को डिस्कस करने वाले हैं। इन्फोसिस ने आज बाजार को डुबा दिया। एक देख सकते हो कि जबरदस्त गिरावट इन्फोसिस में हुई और उसका नतीजा ये रहा कि बाजार में भी भारी गिरावट हुई है, लेकिन निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को भी मिल रही है। तो क्या फिर यहाँ से बाजार संभल जाएगा और क्या इन्फोसिस में निचले लेवल से खरीदारी करनी चाहिए? क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय इन्फोसिस को लेकर? वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है क्वार्टर फोर के बाद। अब विप्रो का भी क्वार्टर फोर आने वाला है, कैसी संभावना बन सकती है? क्या विप्रो में भी भयंकर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है? वैसे विप्रो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और इसी वजह से आज इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली जितनी गिरावट दूसरे शेयरों में आई टी के। तो क्या आगे की संभावना बन रही है? मार्केट एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं इस समय? क्या विप्रो और इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आई टी शेयरों से दूर हो जाना चाहिए? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आई टी शेयर के लिए वो है ग्लोबल मार्केट में आई हुई मंदी। आप देख सकते हो तो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा दबाव में ला रहा है और इसी वजह से आने वाले समय हो सकता है कि और भी गिरावट बोले। कई लोग तो कह रहे हैं कि 2008 रिपीट भी हो सकता है क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा वीक हो रही है अमेरिका में और दूसरी तरफ यूरोपियन बाजार में भी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बी एस सी सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बी एस सी सेंसेक्स 59,839 के स्तर पर 591 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.98% लगभग 1% की गिरावट बी एस सी सेंसेक्स में। लेकिन इंट्राडे में लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। जब सुबह फ्लैट शुरुआत भी हुई लेकिन जो लो बना वो 59,442 का है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी लेकिन कुछ निचले लेवल से खरीदारी के दम पर रिकवरी हुई है। आईटी इंडेक्स भी ज़बरदस्त गिरावट के चपेट और पूरे आईटी इंडेक्स ने ही यहाँ पे माहौल बिगाड़ा, उसमें इन्फोसिस का सबसे बड़ा हाथ है। निफ्टी आईटी समय देख सकते हो 26,939 के स्तर पर 4.59% की बड़ी गिरावट है। आज निफ्टी आईटी ने 52 वीक का नया लो बनाया और आप देख सकते हो जो लो है उस लेवल से कम 600 पॉइंट की वापस रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन आप देख सकते हो कि भारी दबाव में है इस समय निफ्टी आईटी और इसका सबसे बड़ा जो असर दिखाई दे रहा है वो इन्फोसिस की वजह से। इन्फोसिस समय भारी गिरावट के चपेट में, देख सकते हो शुरुआत 1250 पर हुई और आप देख सकते हो कि उसके बाद लगातार गिरावट चालू हुई। लो बना 1185 का, लो है 1254 का और इस समय देख सकते हो स्टॉक 1247 के आसपास है, बिल्कुल अपने निचले लेवल के आसपास ही है। 10.17% की गिरावट है। तो काफ़ी गड़ी देख सकते हो विप्रो में गिरावट बनी हुई है और ये रिकवरी नहीं हो पा रही है विप्रो में। इंट्राडे में 12% की गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है क्वार्टर फोर का रिजल्ट। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में लगभग 8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली है, जो इस बार 6,128 के आसपास रहा। और यहाँ पे रिवेन्यू में जरूर 16% की वृद्धि है जो 37,441 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपर्ट ने जिस तरह से रिजल्ट की कल्पना की थी उससे भी खराब नतीजा है और इसी वजह से माहौल बिगड़ा है। सबसे बड़ी बात है कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो इनका फाइनेंशियल ग्रोथ है उसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी करीब 4 से लेकर 7% की गिरावट देखने को मिलती है और इसने पूरा माहौल और बिगाड़ दिया है। इसके अलावा देखो TCS ने भी नतीजे इसने इस बार निराशाजनक दिए और इसी वजह से आईटी सेक्टर पूरा का पूरा इस समय दबाव में आ गया है। ओवरसीज में जो डिमांड कम हुई है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है, स्पेशली देखे तो जिस तरह से स्लो डाउन चल रहा है उसका पूरा ग्लोबल स्लो डाउन ने इस बाजार खराब किया आईटी इंडेक्स का। सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा करके जो एनालिस्ट है उन्होंने अपने जो टारगेट थे उनको ट्रिम कर लिया है, टारगेट नीचे लाए हैं। हम इन्फोसिस की साल भर की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो मार्च 2022 में इनका रिवेन्यू 32,276 करोड़ रुपीज़ के आसपास था जो लगातार बढ़ा दिसंबर तक। आप देख सकते हो दिसंबर तक ये 38,318 करोड़ तक पहुंचा था। पिछले 4 क्वार्टर में लगातार रिवेन्यू बढ़ा लेकिन इस बार रिवेन्यू में हो गई है गिरावट। आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में, इस बार क्वार्टर फोर में 37,441 करोड़ के आसपास रहा। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो रिवेन्यू बढ़ा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू में गिरावट हुई है और यही रीज़न रहा। इसके अलावा अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 5,685 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ते हुए दिसंबर 2022 यानी क्वार्टर थ्री में 6,586 करोड़ तक पहुंच गया, यानी काफ़ी शानदार वृद्धि हुई। लेकिन इस बार प्रॉफिट में भी भारी गिरावट हुई, प्रॉफिट 6,128 करोड़ के आसपास रह गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में भारी गिरावट है, ईयर ऑन बेसिस पे जरूर प्रॉफिट बढ़ा है और यहाँ पे जिस तरह से रिजल्ट में ये कमी आई उसके पीछे गिरावट बनी और देख सकते हो कि भयंकर गिरावट के नतीजे रह गए, बाजार में भी गिरावट हमें देखने को मिली।
सबसे बड़ी बात है कि आईटी सेक्टर का इस समय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस समय अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा संकट है, और इसकी वजह से अगले अमेरिका के लिए इन्फोसिस में सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, और एक्सपोजर अधिक होने के कारण इन्फोसिस के BFSI के प्रदर्शन का निराशाजनक भी रहा है, और इसी वजह से भी यहाँ पे नतीजे खराब देखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मंदी का सामना हो रहा है, तो अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली डूबी थी बैंक 2008 में, उसके बाद में आईटी सेक्टर को तगड़ा झटका लगा था, सभी शेयर नीचे आए थे और भयंकर मंदी आ गई, तो फिर से लोगों को वैसी आशंका लग रही है क्योंकि इस बार अमेरिका के दो बैंक डूबी है, और क्या फिर से 2008 और रिपीट होगा, इसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट एक्सपर्ट थे उन्होंने अनुमान जो लगाया था उससे काफ़ी नीचे आया प्रॉफिट और रिवेन्यू, और इसी वजह से देखे तो यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट का माहौल बना। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस में कुछ नरमी बयान दिए गए, उनका कहना है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हो कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सेल्स 4 से 7% की वृद्धि दिखा सकता है। इसके अलावा वित्त वर्ष में कारोबारी चुनौतियों का भी अंदाजा मिल रहा है, और वे ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से लेकर 22% के आसपास रहने का अनुमान है। इन्फोसिस के MD और CEO सलील पारेख ने कहा है कि माहौल बदल गया है, क्लाइंट्स का ज़्यादा जोर एफिशिएंसी, कॉस्ट और कंसोलिडेशन पर है, इसके चलते बड़े सौदों में अच्छी पाइपलाइन बन रही है, और हमने एफिशिएंसी और कॉस्ट पर फोकस बढ़ाया ताकि मीडियम टर्म में बेहतर मार्जिन हासिल कर सके, यानी जो रणनीति है उसके तहत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और बिजनेस में कुछ वृद्धि हो सकती है। इन्फोसिस को क्वार्टर फोर में झटका लगा है, वर्टिकल में इनकी आमदनी साल भर की पहले की मार्च तिमाही के मुकाबले 1.7% कम रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का योगदान भी इन्फोसिस की कुल आमदनी में करीब 26% के आसपास रहा है। कम्युनिकेशन वर्टिकल की आमदनी भी 2% से ज़्यादा घट गई है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल की आमदनी इस बार 22% की ग्रोथ दिखा रही है। इन्फोसिस के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 17.50 प्रति शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। वैसे देख सकते हो जेफरीज ने फिलहाल इन्फोसिस के खरीदारी की सलाह दी हुई है, और इन्होंने इसका 1570 का टारगेट दिया। उनका कहना है कि मार्च तिमाही में इन्फोसिस की परफॉर्मेंस देखकर उसे शौक लगा है, लेकिन उसका शेयर खरीदा जाना चाहिए। ब्रोकरेज का कहना है कि फाइनेंशियल 2024 के लिए गाइडेंस को देखकर पता चलता है कि डिमांड आउटलुक कमजोर है, लिहाजा फाइनेंशियल 2024-25 के अपने एस्टिमेट में 3 से लेकर 6% की कमी कर रही है। तो आप देख सकते हो कि भले ही इसमें गिरावट का माहौल बना, लेकिन जेफरीज इस समय निचले लेवल से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। नोमुरा ने इन्फोसिस को लेकर डाउनग्रेड की न्यूट्रल रेटिंग दी है और 1290 का टारगेट दिया, तो नोमुरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है इन्फोसिस से लेकर। इसके अलावा अगर आप देखें HDFC सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस की रेटिंग घटाकर 22 से ऐड कर दी है और 1470 का टारगेट तय किया। HDFC सिक्योरिटीज ने एस्टिमेट 4 और 5% घटा दिया और टारगेट प्राइस पहले जो 1830 थी उसको घटा के 1470 पर लाया। वैसे अगर हम शेर खान की बात करें तो BNB परिवार की तरफ से 1500 का टारगेट दिया गया और इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, तो कुल मिला के इस समय काफ़ी नीचे स्टॉक आ गया, तो खरीदारी की सलाह बन रही है, लेकिन आने वाले समय लंबी तेजी का दौर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, और 2008 की हार्ट भी दिखाई दे रही है आईटी सेक्टर के लिए। विप्रो की बात करें तो 359 पर स्टॉक है, इस समय 2.48% की गिरावट है, काफ़ी ज़्यादा विप्रो ऑलरेडी पहले गिर चुका है, ऐसे में विप्रो में इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। वैसे विप्रो भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, डेट आ चुकी है हमारे सामने, 27 अप्रैल को विप्रो का अपना रिजल्ट आना है, और रिजल्ट में यहाँ पर भी नरमी रह सकती है क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हो TCS और इन्फोसिस ने काफ़ी कमज़ोर नतीजे दिए, तो इसका असर विप्रो में भी देखने को मिलेगा। IDBI कैपिटल मार्केट की तरफ से विप्रो को लेकर कहा जा रहा है कि इनका जो ग्रोथ है इस बार फ्लैट रह सकता है। एबिटा मार्जिन की बात करें यहाँ पे 90 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। IDBI कैपिटल मार्केट ने कहा है कि 6.6% से लेकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5.4% ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर फोर रिवेन्यू में डॉलर टर्म में देखें तो 0.09% और 3.7% के आसपास रह सकते हैं रिवेन्यू में, तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार इतना तेज रहने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी जो रिजल्ट है वो इन्फोसिस के मुकाबले थोड़ा ठीक होने की संभावना यहाँ पे तो कही जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा है। वैसे अगर विप्रो के रिवेन्यू की बात करें तो लगातार बढ़ा है, कहीं पे हमें कमी नहीं दिखाई दी। दिसंबर 2021 में जहाँ पे देख सकते हो 20,314 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो दिसंबर 2022 में 23,229 रुपीज़ के आसपास रहा, तो लगातार पिछले आप देख सकते हो 4 क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू बढ़ा है, और इस बार भी अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तो फिर ये जो गिरावट है थम सकती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 2,969 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च में बढ़कर 3,087 को भी तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में जून में प्रॉफिट में कमी आई 2,564 को भी इसका रहा, लेकिन सेप्टेम्बर में फिर से बढ़कर 2,659 को भी इसके आसपास पहुंच गया, और दिसंबर में ये 3,053 को भी तक पहुंच गया। तो ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें
तो प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर में, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी। तो अगर ऐसे में ये प्रॉफिट में अगर गिरावट हुई तब तो भयंकर गिरावट हो सकती है, लेकिन इस बार भी प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के आए तो फिर से यहाँ पे एक निचले लेवल से बाउंस बैक आ सकता है और फिर तेजी की संभावना बन सकती है। और इसीलिए हमें विप्रो के इंतजार करना होगा रिजल्ट का, साथ में क्या इस बार कंपनी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करती है। समय बोनस के अनाउंसमेंट की संभावना तो काफ़ी कम है क्योंकि कंपनी अब बहुत दबाव में, ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ को आधी सैलरी पर वो ले रहे, जो पहले के पैकेज थे उनको आधा कर दिया गया है। इसलिए हमें वेट जरूर करना होगा, लेकिन इस समय आईटी सेक्टर बहुत दबाव में और इसलिए फूक फूक के कदम रखनी चाहिए आपको इस समय आईटी सेक्टर को लेकर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए